गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन है, इफ़ ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी, सी की पावर जेड इज इक्वल्स टू ए, देन शो दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू वन। सो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो, हम नोटिस कर पा रहे हैं कि इसकी पावर की बात हो रही है और एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो आपको ये मल्टीप्लाई में मिलेगा कहाँ से, आपको ये अंदाज़ा लगाना है। देखिए रफ वर्क में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब हमारे पास ए की पावर क्या हो एम, उसकी होल पावर क्या हो एन, तो हम एम एन मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम एन लिख देते हैं पावर्स को, राइट। तो यहाँ से हमें ये अंदाज़ा पता लग गया कि कहीं ना कहीं आपस में इनकी हम वैल्यूज को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी पावर की ज़रूरत है, बेस की ज़रूरत नहीं है अभी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं गीवन, हमें गीवन है ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, बी की पावर वाई इज इक्वल्स टू सी, सी की पावर जेड इज इक्वल्स टू में ए। तो इसे क्वेश्चन 1, 2, 3 का मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब इन तीनों में सब किसी को भी पिक कर लीजिए, मैंने इक्वेशन 3 को पिक कर लिया। तो मैं लिख देता हूँ इन इक्वेशन थ्री हम देख पा रहे हैं कि सी की पावर जेड इज इक्वल्स टू में ए है, राइट। अब सी आपको दे रखा है, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की पावर वाई, राइट। तो मैं कर देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2। तो सी की पावर कितनी, देखो सी की वैल्यू कितनी है, बी की पावर वाई। तो मैं सी की जगह इसको लिख सकती हूँ बी की पावर वाई एक्स इट इज। अब सी की पावर जेड है तो इसकी पावर जेड हो जाएगी। लीजिए अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर लो, ए की पावर अगर एम है, इसकी होल पावर क्या है एन, आपस में पावर मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई जेड बना लेगा। सिमिलरली बी की पावर कितनी है यहाँ पे, वाई जेड, ओके। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए एक्स, तो मैं लिख सकती हूँ यूजिंग 1 का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है बी की वैल्यू या दैट इज़ ए एक्स बी की जगह, और इसकी होल पावर क्या थी, वाई जेड, ओके। तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, तो ये आपस में पावर्स की हो जाएगी मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड। सिमिलरली इस वाले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कारण, अब मैं देख पा रही हूँ इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है इसकी। अब आपस में कंपेयर कर दीजिए, तो मैं लिख सकती हूँ कंपेयरिंग दी पावर्स, पावर्स को कंपेयर कर दीजिए। हमें क्या समझ आ रहा है, ए की पावर एक्स वाई जेड, ए की पावर 1, तो ये दोनों दे रखा है, तो कंपेयर कीजिए, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू में 1।